श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद चतुर्थ अध्याय सती का अग्नि प्रवेश। पिछले अध्याय में सती का पिता के यहाँ यज्ञोत्सव में जाने के लिए आग्रह करना, इसके विषय में सुना। हवा आगे श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। उन्होंने देखा कि दक्ष के यहाँ जाने देने अथवा जाने से रोकने दोनों ही अवस्थाओं में सती के प्राण त्याग की संभावना है। इधर सती जी भी कभी बंधुजनों को देखने जाने की इच्छा से बाहर आती और कभी भगवान शंकर रुष्ट न हो जाएं, इस शंका से फिर लौट जाती। इस प्रकार कोई एक बात निश्चित न कर सकने के कारण वे दुविधा में पड़ गईं, चंचल हो गईं। बंधुजनों से मिलने की इच्छा में बाधा पड़ने से वे बड़ी अनमनी हो गईं। स्वजनों के स्नेहवश उनका हृदय भर आया और वे आंखों में आंसू भरकर अत्यंत व्याकुल हो रोने लगी। उनका शरीर थर थर कांपने लगा और वे अप्रतम पुरुष भगवान शंकर की ओर इस प्रकार रोषपूर्ण दृष्टि से देखने लगीं, मानो उन्हें भस्म कर देंगी। शोक और क्रोध ने उनके चित्त को बिल्कुल बेचैन कर दिया तथा स्त्री स्वभाव के कारण उनकी बुद्धि मूढ़ हो गई। जिन्होंने प्रीतिवश उन्हें अपना आधा अंग तक दे दिया था, उन सत्पुरुषों के प्रिय भगवान शंकर को भी छोड़कर वे लंबी लंबी सांसें लेती हुई अपने माता पिता के घर चल दीं। सती को बड़ी फुर्ती से अकेली जाते देख श्री महादेव जी के मणिमान एवं मद आदि हजारों सेवक भगवान के वाहन वृषभराज को आगे कर तथा और भी अनेकों पार्षद और यक्षियों को साथ ले बड़ी तेजी से निर्भयतापूर्वक उनके पीछे हो लिए। उन्होंने सती को बैल पर सवार करा दिया तथा मैना पक्षी, गेंद, दर्पण और कलम कमल आदि खेल की सामग्री, श्वेत छत्र, चंवर और माला आदि राजचिन्ह तथा दुंदुभी, शंख और बांसुरी आदि गाने बजाने के सामानों से सुसज्जित हो वे उनके साथ चल दिए। तदनंतर सती अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची। वहां वेद ध्वनि करते हुए ब्राह्मणों में परस्पर होड़ लग रही थी कि सबसे ऊंचे स्वर में कौन बोले। सब और ब्रह्म ऋषि और देवता विराजमान थे तथा जहां तहां मिट्टी, काठ, लोहे, सोने, डाव और चर्म के पात्र रखे हुए थे। वहां पहुंचने पर पिता के द्वारा सती की अवहेलना हुई। यह देख यज्ञकर्ता दक्ष के भय से सती की माता और बहनों के सिवा किसी भी मनुष्य ने उनका कुछ भी आदर सत्कार नहीं किया। अवश्य ही उनकी माता और बहनें बहुत प्रसन्न हुईं और प्रेम से गदगद होकर उन्होंने सती जी को आदरपूर्वक गले लगाया, किंतु सती जी ने पिता से अपमानित होने के कारण बहनों के कुशल प्रश्न सहित प्रेमपूर्ण वार्तालाप तथा माता और मौसियों के सम्मान पूर्वक दिए हुए उपहार और सुंदर आसन आदि को स्वीकार नहीं किया। सर्वलोकेश्वरी देवी सती का यज्ञ मंडप में तो अनादर हुआ ही था। उन्होंने यह भी देखा कि उस यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं दिया गया और पिता दक्ष उनका बड़ा अपमान कर रहा है। इससे उन्हें बहुत क्रोध हुआ। ऐसा जान पड़ता था मानो वे अपने रोष से संपूर्ण लोगों को भस्म कर देंगी। दक्ष को कर्म मार्ग के अभ्यास से बहुत घमंड हो गया था। उसे शिव से द्वेष करते देख जब सती के साथ आए हुए भूत उसे मारने को तैयार हुए तो देवी सती ने उन्हें अपने तेज से रोक दिया और सब लोगों को सुनाकर पिता की निंदा करते हुए क्रोध से लड़खड़ाती हुई वाणी में कहा। देवी सती ने कहा, पिताजी, भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में कोई भी नहीं है। वे तो सभी देहधारियों के प्रिय आत्मा हैं। उनका न कोई प्रिय है न अप्रिय, अतएव उनका किसी भी प्राणी से बैर नहीं है। वे तो सबके कारण एवं सर्वरूप हैं। आपके सिवा और ऐसा कौन है जो उनसे विरोध करेगा। दिजवर, आप जैसे लोग दूसरों के गुणों में भी दोष ही देखते हैं, किंतु कोई साधु पुरुष ऐसा नहीं करते। जो लोग दोष देखने की बात को अलग रही
जो लोग दोष देने की बात तो अलग रही, दूसरों के थोड़े से गुण को भी बड़े रूप में देखना चाहते हैं वे सबसे श्रेष्ठ हैं। खेद है कि आपने ऐसे महापुरुषों पर भी दोषारोपण किया जो दुष्ट मनुष्य इस स्वरूप जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं। वे यदि ईर्ष्यावश सर्वदा ही महापुरुषों की निंदा करें तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि महापुरुष तो उनकी इस चेष्टा पर कोई ध्यान नहीं देते, परंतु उनके चरणों की धूल उनके इस अपराध को न सहकर उनका तेज नष्ट कर देती है। अतः महापुरुषों की निंदा जैसा जघन्य कार्य उन दुष्ट पुरुषों को ही शोभा देता है जिनका शिव यह दो अक्षरों का नाम प्रसंगवश एक बार भी मुख से निकल जाने पर मनुष्य के समस्त पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जिनकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। अहो, उन्हीं पवित्र कीर्ति मंगलमय भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं, अवश्य ही आप अमंगल रूप हैं। अरे, महापुरुषों के मन मधुकर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके चढ़ कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं और जिनके चढ़ार विंद सकाम पुरुषों को उनके अभीष्ट भोग भी देते हैं, उन विश्वबंधु भगवान शिव से आप बैर करते हैं। वे केवल नाम मात्र के शिव हैं, उनका वेश अशिव रूप है, अमंगल रूप है। इस बात को आपके सिवा दूसरे कोई देवता संभवतः नहीं जानते, क्योंकि जो भगवान शिव शमशान भूमिस्थ नरमुंडों की माला चिता की भस्म और हड्डियां पहने जटा विखेरे भूत पिशाचों के साथ शमशान में निवास करते हैं, उन्हीं के चरणों पर से गिरे हुए निर्माल्य को ब्रह्मा आदि देवता अपने सिर पर धारण करते हैं। यदि निरंकुश लोग धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले अपने पूजनीय स्वामी की निंदा करें तो अपने में उसे दंड देने की शक्ति न होने पर कान बंद करके वहां से चला जाए, और यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक पकड़कर उस बकवाद करने वाले अमंगल रूप दुष्ट जिह्वा को काट डाले, इस पाप को रोकने के लिए स्वयं अपने प्राण तक दे दे, यही धर्म है। आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, इसलिए आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को अब मैं नहीं रख सकती। यदि भूल से कोई निंदित वस्तु खाली जाए तो उसे बमन करके निकाल देने से ही मनुष्य की शुद्धि बताई जाती है। जो महामुनि निरंतर अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं, उनकी बुद्धि सर्वथा वेद के विधि निषेधमय वाक्यों का अनुसरण नहीं करती। जिस प्रकार देवता और मनुष्यों की गति में भेद रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति भी एक सी नहीं होती। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने ही धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए भी दूसरों के मार्ग की निंदा न करें। प्रवृत्ति अर्थात यज्ञ याग आदि और निवृत्ति अर्थात सम दम आदि रूप दोनों ही प्रकार के कर्म ठीक हैं। वेद में उनके अलग अलग रागी और विरागी दो प्रकार के अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक ही पुरुष के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो पर ब्रह्म परमात्मा हैं, उन्हें इन दोनों में से किसी भी प्रकार का कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी, हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन कर सकते हैं। आपके पास वह ऐश्वर्य नहीं है और यज्ञशालाओं में यज्ञ अन्न से तृप्त होकर प्राण पोषण करने वाले कर्मठ लोग उसकी प्रशंसा भी नहीं करते। आप भगवान शंकर का अपराध करने वाले हैं, अतः आपके शरीर से उत्पन्न इस निंदनीय देह को रखकर मुझे क्या करना है। आप जैसे दुर्जन से संबंध होने के कारण मुझे लज्जा आती है। जो महापुरुषों का अपराध करता है उससे होने वाले जन्म को भी धिक्कार है। जिस समय भगवान शिव आपके साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे हंसी में दाक्षायणी दक्ष कुमारी के नाम से पुकारेंगे, उस समय हंसी को भूलकर मुझे बड़ी ही लज्जा और खेद होगा। इसलिए उसके पहले ही मैं आपके अंग से उत्पन्न इस सब तुल्य शरीर को त्याग दूंगी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं,
काम आदि शत्रुओं को जीतने वाले विदुर जी उस यज्ञ मंडप में दक्ष से इस प्रकार कह देवी सती मौन होकर उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गईं। उन्होंने आचमन करके पीला वस्त्र ओढ़ लिया तथा आंखें मूंद कर शरीर छोड़ने के लिए वे योग मार्ग में स्थित हो गईं। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को नाभि चक्र से ऊपर उठाकर धीरे धीरे बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। इसके पश्चात अनिंदिता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से मृकुटियों के बीच में ले गई। इस प्रकार जिस शरीर को महापुरुषों के भी पूजनीय भगवान शंकर ने कई बार बड़े आदर से अपनी गोद में बैठाया था, दक्ष पर कुपित होकर उसे त्यागने की इच्छा से महामनस्विनी सती ने अपने संपूर्ण अंगों में वायु और अग्नि की धारणा की। अपने पति जगतगुरु भगवान शंकर के चरण कमल मकरंद का चिंतन करते करते सती ने और सब ध्यान भुला दिए। उन्हें उन चरणों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई न दिया, इससे वे सर्वथा निर्दोष अर्थात मैं दक्ष कन्या हूँ ऐसे अभिमान से भी मुक्त हो गईं और उनका शरीर तुरंत ही योगाग्नि से जल उठा। उस समय वहाँ आए हुए देवता आदि ने जब सती का देह त्याग रूप यह महान आश्चर्यमय चरित्र देखा तब वे सभी हाहाकार करने लगे और वह भयंकर कोलाहल आकाश में एवं पृथ्वी तल पर सभी जगह फैल गया। सब और यही सुनाई देता था, हाय दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवादिदेव महादेव की प्रिया सती ने प्राण त्याग दिए। देखो सारे चराचर जीव इस दक्ष प्रजापति की ही संतान है, फिर भी इसने कैसी भारी दुष्टता की है। इसकी पुत्री शुद्ध हृदय सती सदा ही मान पाने योग्य थी, किंतु इसने उसका ऐसा निरादर किया कि उसने प्राण त्याग दिए। वास्तव में यह बड़ा ही असहिष्णु और ब्राह्मण द्रोही है। अब इसकी संसार में बड़ी अपकीर्ति होगी। जब इसकी पुत्री सती इसी के अपराध से प्राण त्याग करने को तैयार हुई तब भी इस संकट द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे उसी समय शिवजी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। उनके आक्रमण का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए अपहतम रच इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए दक्षिणाग्नि में आहुति दी। अद्वर्यु भृगु ने ज्यों ही आहुति छोड़ी कि यज्ञ कुंड से रिभु नाम के हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए। इन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से चंद्रलोक प्राप्त किया था। उन ब्रह्म तेज संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण किया तो समस्त गुहाक और प्रमथगढ़ इधर उधर भाग गए। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद चतुर्थ अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।